अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन से जो है व्हाट्सएप कोड नहीं आ रहा, बड़ा मसला बने हुए, बहुत ज़्यादा लोगों का ये मसला आ रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। बहुत ज़्यादा लोग जो है हमारे पास आते हैं इस मामले पर कि ये क्या मसला है। बहरहाल मैं तो मोबाइल पैकेजेस से मुतालिक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जिसमें किसी किस्म का कोई अपडेटिंग होती है वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मगर ये है कि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट जो है वो हमारे पास आ रहे हैं। और कुछ ऐसा ही कल को एक बाबा साया बाबा जी था, और वो तो बड़े गुस्से हो रहा था। बहरहाल पंजाबी में बोल रहा था कि मैं तेरे को सिम लेती गई थे, कोड नहीं आ रहा। बहरहाल ऐसा ऐसा कुछ बोल रहा था पंजाबी में, तो बड़े मज़े मज़े की बातें कर रहा था। बड़ा गुस्से हो रहा था कि मैं तो भाई अब से सिम लिया और इस पर कोड नहीं आ रहा। तो मैंने कहा मैं दो चीज़ें वाजी कर दूँ इस वीडियो में भी और लोगों को भी, ताकि पता चले कि वाकई ये एक मसला है जो इस टाइम चल रहा है। तो साथ फिर ये है, अल्लाह वाले दो बंदे और खड़े थे और उनको पंजाबी आती थी, बड़ी सही वाले पंजाबी। तो उन्होंने फिर चाचे को समझाया कि भाई ये हमारे साथ भी ये मसला हुआ हुआ है और ये जो है इसका सिम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सिम है और व्हाट्सएप एक ऐप है, जिसने सिम पे एक कोड आने और वो कोड एंटर करेंगे तो आपका व्हाट्सएप बनेगा। बहरहाल वो जो बहस तब चल रही थी काफ़ी टाइम से, वो मामला जो था वो ख़त्म हो गया। तो अब बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हमसे पूछते हैं कि भाई ये कोड जो है ये किस तरह कैसे आना और कैसे आना है क्या नहीं आना। तो मैंने कहा यार मैं आप लोगों की चीज़ बता दूँ, यूट्यूब है, लोग मुख्तलिफ किस्म के ट्रिक्स बताते रहते हैं, आप ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, और मैं शॉर्टकट वीडियो बनाकर जो सीधे सीधे मामला होते हैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कोड अगर नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, उसकी अपनी कोई एक आधी टाइमिंग होनी है। आप जैसे सेंड करेंगे वो आ जाएगा। हमारा एक दोस्त है, उसके साथ भी यही कुछ होता रहा और काफ़ी दिन से जो मुख्तलिफ किस्म के ट्राई हमने वो सारे के सारे चेक कर लिया, मगर वो कोड नहीं आ रहा था। ये कोड अगर नहीं आता तो फिर बिल्कुल भी नहीं आता, और आज जब आते हैं तो एक सेकंड भी नहीं लगता उसे टाइम आ जाता है। आपको मुख्तलिफ किस्म के वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब से, या लोग मुख्तलिफ किस्म के तरीके बताएंगे। हमने अनइंस्टॉल करके भी देख लिया, दोबारा इंस्टॉल किया, फिर आपको लोग बताएंगे कि आप प्ले ऐप स्टोर में जाओ, यहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाओ। बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के तरीके आपको बताते रहेंगे, मगर ऐसा वैसा कोई सी नहीं है कि व्हाट्सएप की तरफ से कोई मसला है और ये जब वो चाहेंगे इसको हल करेंगे, वरना इसमें और कोई ट्रिक मिक लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई किसी किस्म कोई बात बता दे तो इस पर यकीन नहीं करना। मैं बता रहा हूँ, जब आना है तो अल्लाह वाली आना है, जब नहीं आना तो बिल्कुल भी नहीं आना। बहुत ज़्यादा ट्रिक लगा लोगों के ताकि हैं। और लास्ट में फिर से यही बता दूँ कि बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि भाई ये तो हमारे देखो पुराने मोबाइल में जो सिम पड़ा उस पर तो आ गया, इस पर नहीं आया। तो सिम से मुतालिक चीज़ें हैं, मैंने कहा था कि ये पहले क्लियर कर दो, इसका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपके अगर 10 सिम पे नहीं आना तो 10 पे नहीं, और अगर एक पे आना तो एक पे आ जाना है, इसका इन चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ताकि ये बात वाजी हो जाए। बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात चल रही है कि भाई हमारा जो पहला सिम था उस पर तो चलता था और हमने डुप्लिकेट सिम निकाल दी तो हमारा तो कोड नहीं है, तो सिम में कोई मसला है। तो मेरी भाई सिम सिम होती है, सिम का अगर कोई मसला हो, आपकी सिम से फ़ोन नहीं हो रहा, फ़ोन नहीं आ रहा, नेट नहीं चल रहा, कोई सर्विसेज सिम से मुतालिक है, तो ठीक है, वो तो सिम वालों की ही जिम्मेवारी बनती है। और अगर आपको ये कोड का कोई मसला आ रहा है तो इसका मतलब है इसका सिम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक ऐप है और उस पर एक कोड आना है, तो आपका ये सारा मामला तय होना, इसका किसी किस्म का कोई हाल नहीं है। हमारी जो आज की वीडियो थी ये व्हाट्सएप से मुतालिक थी, हमारे सारे वीडियो पैकेज से मुतालिक होते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी आप लाइक ज़रूर करें और हमें थोड़ा सा सपोर्ट करके हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगले किसी पैकेज के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।